स्वर्गीय रामजी मौर्य राहुल के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी नेता अभिषेक मौर्य सोनू विधानसभा 186 अमेठी की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइमेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानगंज में युवा कल्याण विभाग एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की ओर से शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में कल यानी मंगलवार को जनपदीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी, कथक नृत्य, तबला वादन, हारमोनियम वादन समेत अन्य कई लोक विधाओं के प्रतिभागी शामिल होंगे। अमेठी में जगदीशपुर से सत्थिन सड़क पर हर कदम गड्ढे से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। अयोध्या में ग्रामीण बैंकों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर राष्ट्रीय व्यापी ग्रामीण बैंक कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद और अम्बेडकर नगर समेत 92 शाखाएं पूर्णतः बंद रही। अयोध्या में प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार की जमकर तारीफ की और बताया कि सरकार ने इन 4.5 सालों में कई सारे विकासकारी काम किए हैं। अयोध्या में बीकापुर तहसील में मौजूद बैतीकला गांव में रामवन गमन मार्ग मौजूद है। इस पौराणिक स्थल महामंडलेश्वर शिव मंदिर की महिमा ही निराली है, जो हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। राजा विक्रमादित्य के काल का करीब 8,000 वर्ष पुराना ये मंदिर मौजूदा परिवेश में एक आधुनिक स्वरूप में विद्यमान है। अयोध्या में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तपस्वी छावनी में संत सनातन धर्म संसद आयोजित किया गया। इस संत सनातन धर्म संसद में तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। इस आयोजन में हजारों की संख्या में संतों ने संत सनातन धर्म संसद में हिस्सा लिया। बहराइच में फकरपुर हत्याकांड की घटना के त्वरित अनावरण के संबंध में कैसरगंज की सामाजिक संस्था सेवा क्लब के संस्थापक वीपी सिंह ने पुलिस कार्यालय में एसपी सुजाता सिंह को बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर वहां कई लोग मौजूद रहे। बहराइच में किसान यूनियन के बैनर तले भारत बंद के आह्वान पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने पुलिस बल के साथ नानपारा में भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सभी सिपाहियों को जरूरी बातें भी बताई। वाराणसी में विश्व पर्यटन दिवस पर एक निजी होटल में पर्यटन विभाग और टूरिज्म गिल्ड ने संयुक्त रूप से जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यन सान्याल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वहां कई लोग मौजूद रहे। चंदौली में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खुद कमान संभाल ली है। इसी क्रम में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां गरीबों और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। जिले में दुकानें रोज की तरह ही खुली नजर आई। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने सिंधौली चौराहे पर इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बस्ती में किसान एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। हालांकि यहां भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं भारत बंद को लेकर विपक्ष की सारी पार्टियां मैदान में उतर कर रैली निकाल रही है। बलरामपुर में विधायक पलटूराम के राज्य मंत्री बनने से उनके परिवार के साथ ही सभी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी ने पटाखे चलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, साथ ही पलटूराम को बहुत बधाई भी दी। उतरौला में मोहल्ला गांधीनगर वार्ड नंबर 13 में नाली ना होने की वजह से महीनों से बाढ़ का पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार जलभराव की शिकायत लेकर मोहल्लेवासी अधिकारियों के पास ही पहुंचे, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। पीलीभीत में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों की संख्या में किसानों ने भारत बंद के दौरान NH 730 हाईवे जाम कर दिया। वहीं किसानों ने एम्बुलेंस और जरूरतमंदों को ही सिर्फ रास्ता दिया। इस दौरान सभी किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए बिल वापस लेने की मांग की।